He spent 9 years in jail for a crime he did not commit. And his life story is now the subject of a new film. I'm Barkha Dutt, you're with the Mojo Story. Today, we will be talking to Abdul Wahid Sheikh, who, of course, is the author of a book, Beguna Kedi. He was accused of being a terrorist in 2006 during the Mumbai train blast, later exonerated by the courts. Wahid, a school teacher, has gone back to doing what he loves most, being a teacher. But his life story is now the subject of a major new film. And his life's work is also now devoted to fighting for justice for others who went through what he did. He is quite literally saying, "My name is Abdul Wahid and I am not a terrorist." Let's go across now to Wahid Saab, who is joining us. As I said, इन्होंने पहले किताब लिखी अपने साथ जो हुआ क्या बीती उस किताब का नाम था बेगुनाह कैदी इनोसेंट प्रिजनर और अब इनकी लाइफ स्टोरी एक नई मूवी के थ्रू बड़े स्क्रीन बिग स्क्रीन पर हमारे सबके यहाँ पहुंच गई है नजदीक. वाहिद साहब शुक्रिया धन्यवाद. सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी ये पूछ के कि एक जमाना था दुनिया आपको आतंकवादी कहती थी टेररिस्ट कहती थी. आज आपकी जिंदगी एक फिल्म का सब्जेक्ट है और आप एक तरह से एक हीरो बन गए हैं. इस ट्रांजिशन को कवर करते करते आज किस तरह की भावना है आपके दिल में? देखिए, मैं तो एक मामूली इंसान था. मैं एक टीचर था और अपनी फैमिली के साथ मैं बम्बई में एक आम जिंदगी गुजार रहा था. लेकिन जो 2006 में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद एटीएस ने जो गलतियां की है, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे 12 कैदियों के साथ जो कुए की उस आज भी जेल में है, उसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई. लेकिन 9 साल के बाद खुशकिस्मती से मैं तो छूट गया, लेकिन वो लोग नहीं छूटे. इसका मुझे आज भी गम है. वो लोग बेगुनाह होते हुए आज भी टेररिस्ट का टैग लेके घूम रहे हैं, I mean जेल के अंदर है और फांसी की सजा उनको लगी है. तो उसके बाद 9 साल के बाद फिर मैं आया. जेल में ही मैंने बुक लिखी थी. बाहर आने के बाद मैंने फिर एक मिशन के तौर पर उनकी रिहाई के लिए मैंने एक कैंपेन शुरू कर दी और हमने एक चैनल भी बनाया, लीगल चैनल. हमने इस केस पर एक वेबसाइट बनाई. तो ये सारा काम मेरा देखने के बाद, मेरी बुक देखने के बाद, फिर सुदर्शन गमरे ने मेरी लाइफ पर फिल्म बनाई और अभी जो हेमोलिम्फ जो है फिल्म रिलीज हुई है. तो ये बात सही है कि जो अप्स एंड डाउन जिंदगी में आए हैं उसकी वजह से बहुत मतलब तकलीफों से जिंदगी गुजरी है. जेल के 9 साल काफी डरावने रहे हैं, लेकिन अभी खुशी है कि अब जो है एक रिकॉग्निशन मिल रहा है और फिल्म भी बन चुकी है. बहुत अच्छी बात है. खुशी हो रही है कि कम से कम शायद मैं समझता हूँ भारत में पहली बार किसी बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज पे हिंदी फीचर फिल्म बनी है कमर्शियल, और ये मेरे लिए खुशी की बात है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बेगुनाह कैदी जेलों से छूटकर आए हैं और आने वाले हैं, उन पर भी जो है बॉलीवुड ध्यान देगा और आगे भी इस तरह की फिल्में इस सब्जेक्ट पर बनती रहेगी. जब आप जेल में थे तब आपने कभी हिम्मत हारी? आपने तो जेल में बहुत कुछ नया सीखा, आपने जर्नलिज्म सीखा, लॉ सीखा. आपने कभी हिम्मत हारी? आपको कभी लगा कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, बस मैं यहीं पड़े पड़े मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं, हमने 9 साल जब हमारा सेशंस कोर्ट में, बॉम्बे की सेशंस कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, तो हमने कभी हिम्मत नहीं हारी. हमको हमारे पास सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि हम बेगुनाह हैं और हम जो है सच्चाई के लिए लड़ेंगे, आखिर वक्त तक के लड़ेंगे. और हमें ये उम्मीद थी कि हम बेगुनाह हैं इसलिए हम जो है ज़रूर रिहा होंगे. लेकिन 9 साल के बाद जब मैं रिहा हो गया और 12 लोगों को कन्विक्शन लग गया, तो मुझे बहुत बड़ा जो है धक्का लगा और बहुत दुख हुआ कि जो कन्विक्शन है वो ज्यादा लोगों को मिला है. जो एक्विटल है, जो इंसाफ नहीं हुआ. एक्चुअली मैंने ये बात भी बार बार कही है कि कोर्ट ने मुझे मजबूरी में छोड़ा क्योंकि मेरे खिलाफ कोई सबूत कोर्ट में नहीं पेश किया जा सका. और जो मेरा विटनेस जो बनाया गया था, एटीएस ने जिसको विटनेस बनाया, जो मेरा रिलेटिव था, उसको डरा धमका कर मेरे खिलाफ गवाही के लिए तैयार किया गया था. और कोर्ट में आकर उसने सच बात कह दी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई पाकिस्तानी जो है वाहिद के घर पर कभी नहीं आए.
ना किसी पाकिस्तानी को वाहिद ने शेल्टर दिया, तो इसकी वजह से कोर्ट ने मुझे, कोई प्रूफ नहीं था इसके लिए कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट की मजबूरी थी मुझे छोड़ना, लेकिन अफसोस है कि कोर्ट ने गलत सबूतों की बुनियाद पर जो है 12 लोगों को सजा दी, उसका दुख आज भी है। और मैं उनके लिए भी कोशिश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो भी जल्द से जल्द छूट जाए और बाहर आ जाए अपनी फैमिली के साथ। इस केस में जो बाकी लोग गिरफ्तार हुए वो आपके जानने वाले हैं कि आप जेल में कुछ समय बिताकर उनको जान लिए और बेहतर तरीके से? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बार बार दोहरा रहे हैं कि जो बाकी लोग कन्विक्ट हुए हैं आप उनको इनोसेंट मानते हैं, तो ऑफ कोर्स आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बुनियाद पर उनको इनोसेंट मानते हैं। देखिए, 12 में से एक जो एक्यूज है साजिद अंसारी, वो मेरा साला है, मेरी वाइफ का भाई है, तो मैं तो उसको काफी सालों से जानता हूँ, शादी के बाद से तो जानता हूँ अच्छे से। इसके अलावा जो 11 एक्यूज है उनमें से मैं किसी को नहीं जानता। पहली बार हम लोग या तो इलीगल कस्टडी में मिले हैं, या पुलिस के टॉर्चर सेल में मिले हैं, या AITS के पुलिस स्टेशन में मिले हैं, या जेल में मिले हैं। वहां जाने के बाद हमको पता चला कि ये जो है हम लोगों पर जो है एक ही तरह का केस डाला गया है। और मैं ये जो बात दावे से कहता हूँ कि वो लोग बेगुनाह है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब मुझे पता है कि मेरे फ्लाइट फ्लैट पर कोई पाकिस्तानी नहीं आया था, और ATS का कहना है कि एक्यूज कुछ एक्यूज ने मिल करके कुछ पाकिस्तानियों को मेरे घर पे लाया, तो जब पाकिस्तानी मेरे घर पर नहीं आया तो वो एक्यूज भी मेरे घर पर नहीं आया, मैं उनको जानता तक नहीं हूं, तो मुझे पता है कि जो सेम चार्जेस हम पर लगाए गए हैं वो सेम है, जो इस तरह मुझ पर जो चार्जेस झूठे हैं उन पर भी वो चार्जेस झूठे लगाए गए, इसलिए मैं दावे से कहता हूं। दूसरी बात ये कि मैं उनको पुलिस कस्टडी में देख रहा था कि उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उन पर जबरदस्ती कन्फेशनल स्टेटमेंट पर साइन ली जा रही थी, उनके घर वालों को बुलाकर परेशान किया जा रहा था और कबूल करने के लिए, गुनाह कबूल करने के लिए कहा जा रहा था, और मजबूर होकर उन्होंने गुनाह कबूल किया। तो ये सब कुछ मेरी आंखों से देखा हुआ था और किसी ने नहीं देखा, पुलिस स्टेशन में या तो ATS ऑफिसर्स थे या हम थे। तो इस तरह से मैं उनके टॉर्चर का एक आई विटनेस हूं जिसने देखा है कि उनको टॉर्चर किया गया, इसलिए ये दूसरा रीजन है जो मैं दावे से कहता हूं कि वो बेगुनाह है। तीसरी बात है कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स में जो कॉमन बातें लिखी गई है उनके बारे में या मेरे बारे में, वो सारी चीजें झूठी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरे बारे में लिखी हुई झूठी है, इसलिए मैं ये भी जानता हूं कि वो उनके बारे में लिखी हुई चीजें भी झूठी है। इस एतबार से मैं उन सबको मुझसे ज्यादा बेगुनाह समझता हूं और समझता हूं कि उनको रिहा होना चाहिए था, और मैं समझता हूं कि मेरी जगह उन पर फिल्म बननी चाहिए थी। और आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए लड़ने के लिए? जी, जमीयत उलमा बॉम्बे में जो है उनका लीगल पैनल उन्होंने खड़ा किया है, और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो है अपील पेंडिंग है, कंफर्मेशन केस इनफैक्ट पेंडिंग है, और हम लोग उनके लिए जो है जो कैंपेन वगैरह हम चला सकते हैं कोर्ट के बाहर वो चला रहे हैं, अब भी हमारी कोशिश है, और आखिर वक्त तक जब तक वो छूटेंगे नहीं हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जब आपको अक्विट किया गया, जब आपको फाइनली बेगुनाह का दर्जा दिया गया, तो क्या ATS की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जिन लोगों ने आपके साथ ये सलूक किया, क्या उनकी तरफ से कोई माफी या कॉम्पनसेशन कभी फॉर्मल या इनफॉर्मल रूप में आई? कुछ उन्होंने, डिड दे एवर ट्राई टू मेक दिस अप टू यू? भाई होता है ना कि इंसान से गलती होती है तो वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं किसी भी पुलिस वाले ने जो है मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, किसी भी पुलिस या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई माफ़ी की बात नहीं है, और कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। भारत में ऐसा कोई कानून है ही नहीं कि जिसमें किसी एक्यूज को जो एक्विटल हो गया है उसको जो है कंपनसेशन या रिहैबिलिटेशन दे, इसीलिए मुझे आज तक कुछ मिला नहीं है। इनफैक्ट जो अक्षरधाम ब्लास्ट केस के अंदर मुफ्ती अब्दुल कय्यूम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी गए थे कंपनसेशन के लिए, उनको फांसी की सजा लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फांसी की सजा खत्म करके उनको बाइज्जत बरी कर दिया, उनको भी आज तक के कुछ नहीं मिला है, और उसी तरह मुझे भी कुछ नहीं मिला। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इनफैक्ट जो कम से कम कोई पुलिस वाला मिल करके अगर सॉरी ही कह दे कि भाई हमसे गलती हो गई थी, हमको माफ कर दो, तो ये भी बड़ी ही बात होगी हमारे लिए, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि किसी पुलिस वाले ने जो है सॉरी भी नहीं कहा आज। और वही सबसे बुरा लगता होगा क्योंकि अक्विटल तो मिल गई आपको, लेकिन 9 साल आपकी जिंदगी के चले गए। लोग शायद समझते नहीं कि इसका असर सिर्फ आप ही पे नहीं, आपके पूरे परिवार पर किस तरह से पड़ा होगा, जरा उसके बारे में बात करिए। देखिए, मैंने बार बार ये बात कही है कि जो दर्द होता है ना वो दिखता नहीं है, और दर्द जो है सुनाई नहीं देता,
उसी तरह दर्द जिसको होता है वही फील कर सकता है, दूसरा कोई फील नहीं कर सकता। तो 9 साल के जो ट्रायल के अंदर या कस्टडी के अंदर जो कुछ दर्द मेरे साथ हो रहा था वो मैंने बताने की कोशिश की है, अपनी किताब में लिखने की कोशिश की है, और वही सारी चीजें फिल्म में भी बताने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा सफरिंग या मुझसे ज्यादा दर्द जो है मेरे घर वाले उठा रहे थे, मैं उनको बयान नहीं कर सकता हूँ, और अप टू द मार्क आपको आपको मैं डिटेल बता नहीं सकता हूँ। कुछ चीजें ऐसी है शायद मैं शेयर कर पाऊँ। एक तो ये कि मेरी बीवी को मजबूरन जो है जॉब करना पड़ा, दूसरा जो मेरे दो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे, 6 महीने की मेरी बच्ची थी, वो दूध पीती थी मेरी मेरी उसकी माँ का, लेकिन मेरे मैं जो है ब्रेड विनर था, कमाने वाला घर का अकेला था। तो जब मैं अंदर चला गया तो अल्टीमेटली मेरी वाइफ को जॉब करनी पड़ी, और जॉब करने की वजह से उसको अपनी बच्ची का दूध छुड़ाना पड़ा, उसको बॉटल का दूध पिलाना पड़ा। और दोनों बच्चे उस एज में थे कि वो फादर का प्यार चाहते थे। हाँ, वो चाहते थे कि उनका फादर जो है कभी घोड़ा घोड़ा खाड़ी की तरह उनको खेले, उनके साथ कांधे बटाटे की तरह खेले, जैसे घर में जो होता है, या पिकनिक ले जाए, या जो है स्कूल के एडमिशन के सिलसिले में यहाँ वहाँ जो है उनकी मदद करे, या घर में बड़ा बिठा कर उनको पढ़ाए वगैरह वगैरह। तो वो सारा जो लव एंड अफेक्शन है जो बच्चों को मिलना चाहिए एक फादर का, वो नहीं मिल सका। तीसरा, जो मेरे जो बूढ़े माँ बाप थे जिनकी मुझे उस वक्त जो है हेल्प करनी चाहिए थी, उनकी जो है तीमारदारी करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी वजह से मैं नहीं कर सका। कस्टडी की वजह से मेरी माँ जो है मेंटली रिटार्डेड हो गई, मेरे मेरे फादर को जो है अटैक आ गया अस्थमा का और उनका इंतकाल हो गया। तो ये जो फैमिली ने जो सफरिंग की है, और मतलब एक एक चीज के लिए, खाने पीने के लिए, स्कूल में एडमिशन के लिए, और ईद के मौके पर, खुशियों के मौके पर, गम के मौके पर जो मिसिंग जो उनकी हुई है मेरी, तो वो शायद कभी बयान नहीं कर सकते हैं, और मैं शायद उसको समझ नहीं सकता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफ, मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा तकलीफ उन्होंने उठाई। जी, आपने वो पिक्चर देखी है, माय नेम इज खान? जी, मैंने नहीं देखी। उसमें वो शाहरुख खान की पिक्चर है। वो भी एक ऐसे ही केस के बारे में है जहाँ कि भाई माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अंडर ट्रायल्स आपने बहुत देखे होंगे जेल के अंदर, जो पड़े हैं इस केस के अलावा भी, जिनको साल बीत जाते हैं और फिर जस्टिस नहीं मिलती। ना केस इस तरफ तय होता है ना उस तरफ, ना उनको गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है ना उनको इनोसेंट डिक्लेयर किया जाता है। और इसके बीच में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का एक तरफ टेररिज्म का जेन्युइन प्रॉब्लम है, इस्लामिस्ट वायलेंस का जेन्युइन प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ जो इनोसेंट बेगुनाह मुसलमान है उसको भी शक के नजरिए से देखा जाता है, उसके बारे में थोड़ा बात करें। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो टेररिज्म का जो पूरा हवा जो खड़ा किया गया है, ये एक्चुअली एंटी मुस्लिम एक जो नजरिया है, आप जानते हैं कि 2001 में जो ट्विन टावर्स जो अमेरिका में गिराए गए, और उसके ऊपर भी बहुत सारी थियरीज है किसने गिराया किसने नहीं गिराया, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है टेरर लॉस को इनेक्ट किया गया, और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैं आपको इंटरजेक्ट करूंगी क्योंकि आई थिंक ये बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है कि ये ओसामा बिन लादेन का हैंडीवर्क है, किस तरह से ट्रेनिंग हुई उन पायलट्स की हु ड्रोव देयर प्लेन्स इनटू द ट्विन टावर्स इन न्यूयॉर्क। तो मैं ये तो नहीं मानूंगी कि टेररिज्म एक रियल चैलेंज नहीं है या कोई एम्बिग्विटी है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विन टावर्स। लेकिन हाँ, अंडर ट्रायल्स को लेकर या जो इनोसेंट इंसान है उसको शक के नजरिए से देखना, वो तो बिल्कुल दूसरे दूसरा डिस्कशन बन जाता है। तो उस पे आप क्या बोलेंगे? जब आपका एक्विटल हो गया, क्या उसके बाद आपको लोगों ने शक के नजरिए से देखना बंद कर दिया? नहीं, मैं शक के नजरिए से जो देखना बंद कर दिया, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। आपका जो सवाल था, मैंने जेल के अंदर ही जो है कमीशंस की रिपोर्ट्स पढ़ी थी बहुत सारी अमेरिका की, इसलिए मैं वो बात कह रहा था कि डाउटफुलनेस, ठीक है हमारा पर्सपेक्टिव या हमारा व्यू अलग हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद भारत के अंदर जो फिर एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सिमी के नाम पर बैन किया गया, और उसके बाद फिर मुस्लिम यूथ्स को जो है बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया, मुझे भी उस केस के अंदर डाला गया 2001 के अंदर, और उसके बाद से भारत में कहीं पर भी कोई टेरर अटैक होता था, ब्लास्ट होता था, या कोई राइड्स होता था, तो उसके बाद जो है हमको परेशान किया जाना, हमको उठाना और हमको जो है टॉर्चर करना, ये सिलसिला चलता रहा, और फिर अल्टीमेटली 2006 के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट केस के अंदर मुझे गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि गिरफ्तार होने के बाद से लेकर रिहाई तक के जो कुछ
तकलीफें हमारे साथ हुई हुई, लेकिन रिहा होने के बाद मुझे लगता है कि खास तौर से आम सोसाइटी में, देखिए मुस्लिम सोसाइटी में बहुत क्लियर पिक्चर है कि ये जो लोग भी टेरर केस में बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं वो बेगुनाह है। मालेगांव का केस आप देख लीजिए, बहुत खुल करके हमने बात की है कम्युनिटी ने कि बेगुनाह है। तो मुझे भी मुस्लिम कम्युनिटी ने कभी भी शक की निगाह से नहीं देखा कि ये टेररिस्ट है या इसने कुछ किया होगा। लेकिन अदर कम्युनिटीज के भी कुछ लोग जो हमारे लोकेलिटी में रहते हैं उन्होंने भी मुझे कभी शक की निगाह से नहीं देखा। ये अच्छी बात है। जब मैं मेरे फादर का जब इंतकाल हुआ और मैं जब वहां पर आया था तो उन्होंने मेरा जो है बहुत अच्छा वेलकम किया, मुझको गले लगाया। मैं छूट कर जब आया तब भी जो है हमारी लोकेलिटी के नॉन मुस्लिम्स ने भी मेरा बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया और कभी भी मुझे इस तरह का कोई इस तरह का कोई कमेंट नहीं किया कि टेररिस्ट है या छूट कर आए। तो इन टोटैलिटी पूरी सोसाइटी ने जो है मेरा एक तरह से जो है अच्छा ही इस्तकबाल किया है। एक अंग्रेजी में कहावत है, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, कि भाई जब तक इंसाफ मिलता है तब तक जिंदगी की इतने पल जात की खो चुके होते हैं। तो आपको भी यही लगता होगा कि आज आप यू आर अ फ्री मैन और आप एक मूवी के हीरो हैं, हीरो ही बोलूंगी उसको, या सब्जेक्ट है, एक ऑथर है, एक एक्टिविस्ट है, लेकिन 9 साल तो चले गए ना। हाँ, ये बात सही है कि देखिए आपको हैरत होगी सुनकर कि मेरे खिलाफ सिर्फ एक ही एक्यूज का स्टेटमेंट था, 164 स्टेटमेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और उस स्टेटमेंट की वजह से मुझे आज तक की बेल नहीं मिली, मुझे डिस्चार्ज नहीं मिला और मुझे 300 से ज्यादा विटनेसेस का ट्रायल फेस करना पड़ा। तो अगर वो 164 स्टेटमेंट नहीं होता तो मुझे बहुत इनिशियल स्टेज पर ही शायद मुझे बेल मिल जाती या डिस्चार्ज मिल जाता। तो इस तरह से पुलिस जो है किसी को फंसाने के लिए उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट लेती है या 164 स्टेटमेंट लेती है और उनको फंसा करके रखती है, और दीगर सारे एक्यूज के साथ मुझे 9 साल तक के ट्रायल को फेस करना पड़ा। ये बात सही है कि जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट है, और इस यहाँ पर अभी यूएपी वगैरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं उसमें ये बात कही जा रही है कि किसी को बेल नहीं दी जाएगी जब तक कि प्रोसिक्यूशन जो है मुतमईन ना हो। तो मतलब हाँ, जजेस के हाथ मतलब बांध दिए गए हैं और जज भी जो है मतलब बेल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से ये हो रहा है कि एक्यूज कई कई साल तक के जेल में रहते हैं और वही उसके लिए सजा होती है, वही उसके लिए बहुत परेशानी की बात होती है। क्योंकि अभी देखिए 9 साल, आज मैं 9 साल के बाद अगर रिहा होकर आया हूँ तो मेरी जिंदगी के 9 साल कोई लौटा नहीं सकता, ना उस बिल्कुल 9 साल की जवानी का पीरियड कोई लौटा सकता है, ना उस वक्त में जो जो मैं पढ़ सकता था, लिख सकता था, जो मेरा जो जो मेरी प्रमोशंस हो सकती थी, जो तरक्की हो सकती थी हर एतबार से, वो नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूँ अगर मतलब यहाँ तो पैसा भी नहीं मिला है, गवर्नमेंट ने तो कुछ कंपनसेट भी नहीं किया है कि हाँ ठीक है आप 10-20 लाख रुपए ले लीजिए, अगर वो दे भी दे तब भी जो है मैं समझता हूँ 9 साल की जिंदगी को कोई कंपनसेट नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये बताइए कि आपने कहा कि एक और भी केस में आपका नाम डाला था, 2001 के केस में, तो उसका क्या हुआ? वो 2001 का केस भी इसी तरह से झूठा केस था और वो सिमी एक्टिविस्ट का केस था, और आप जानते हैं कि 2001 में जो बैन लगाया गया था सिमी पर और उसके बाद हर 2 साल के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको बैन एक्सटेंड करना होता था और ये प्रूफ देना पड़ता था ट्रिब्यूनल के अंदर। जो ट्रिब्यूनल का जो जज होता था वो दिल्ली हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज होता था, उसके सामने उनको ये बताना होता था कि हमने 2 साल के लिए बैन लगाया है, लेकिन 2 साल के बाद बैन के बावजूद भी इन्होंने जो है इलीगल एक्टिविटी की है, इसलिए वो पूरे मुल्क में नहीं तो मुस्लिम यूथ अभी पर नहीं, जो है। अभी आपके केस के साथ क्या हुआ? मेरा केस तो वो छूट गया, मेरा केस छूट वो गया। तो अच्छा, एक्विटल हो गया, पूरी तरह से एक्विटल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि वन बिग चेंज जो आपको ये पूरे एक्सपीरियंस के बाद आप किस तरह से बदले हैं, तो आप क्या कहेंगे? पहले डरपोक थे, आप जो है निडर हो गए। ये तो एक तरह से अच्छी बात है, बट कीमत, जिसको कहते हैं ना, कॉस्ट इज टू हाई टू फाइंड करेज। एक एक आखिरी सवाल, पिक्चर अगर आप लोगों को कहें कि कहना चाहे हमारी ऑडियंस को कि भाई प्लीज जाके देखिए, और उनको एक कारण देना हो कि क्यों वो जाके देखे, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए फिल्म, आप ये मत देखिए कि ये फिल्म वाहिद पर है, आप ये सोचिए कि ये फिल्म जो है अंडर ट्रायल्स पर है, ये हर ऐसे शख्स पर है जो बेगुनाह है और जिसको जो है जेल के अंदर फंसा दिया गया है किसी ना किसी केस के अंदर। तो ये स्टोरी उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारे समाज और हमारी पुलिस और हमारे पूरे सिस्टम को दर्शाती है, बताती है कि इसके अंदर क्या खराबी है।
तो मैं समझता हूँ हर इंडियन को कम से कम ये फिल्म एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। और आप उसी लाइफ पे वापस आ गए हैं जहां आप तब थे, उसी ट्रेन पे आप अपने पढ़ाई टीचिंग का जो जॉब करते थे, यू आर बैक टू बीइंग अ टीचर। और कोई अधूरा सपना आपका कि आगे क्या करना है? एक ही सपना है कि जो मेरे साथ जो 12 लोग अभी जेल में है और जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, वो भी अगर मेरे साथ बैठ के अगर परखा दत्त मैडम के सामने इंटरव्यू दे तो ये बहुत खुशी की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपके टीचिंग के लिए। गुड लक, आई एम श्योर कि आपका जो लाइफ, कहते हैं ना कि लाइफ इज द बेस्ट टीचर, तो आपके साथ बुरा तो बहुत हुआ वाहिद साहब, लेकिन उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी, और मुझे लगता है इट विल मेक यू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर। आप क्लियरली आप यू लव बीइंग अ टीचर, क्या अभी भी आपको वही लगता है कि यही आपकी पहचान है, टू बी अ टीचर? हाँ, मैं वही उसी स्कूल में जा रहा हूँ, उसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, वही बच्चे हैं, वही सब्जेक्ट है और मुझे पढ़ाना है, वंडरफुल पढ़ाने की। वंडरफुल। तो वाहिद साहब की जिंदगी पर बनी मूवी हीमोलिम्फ आप देख सकते हैं, इट इज नाउ रिलीज। इनकी किताब है, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें, उर्दू में पढ़ना चाहें तो बेगुनाह कैदी, और अगर अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो इनोसेंट प्रिजनर्स, जरूर पढ़िएगा, मूवी देखिएगा। और वाहिद साहब गुड लक, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalists.